Some teacher used to ignore me, classmates, notebooks भी मुझसे शेयर नहीं करते थे. I have retinopathy prematurity. I was born as a premature child because of which I lost my eyesight. मेरे childhood में मैंने braille सीखा. Then उसके बाद I was integrated to normal public school. There some teacher used to ignore me. मैं ज़्यादा attention नहीं दिया जाता था. Because they knew कि हर mom knows braille. Classmates notebooks भी मुझसे share नहीं करते थे. When I was in 8th standard, then I decided to move to a special school. My mother always used to motivate me. My mother is also a singer, so वो जब भी रियाज करती थी तो मैं उनके पास बैठती थी. I was around 10 years old. तब भी से मेरे में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ. I love music, so Indian classical सीखना, म्यूजिक सुनना, कोई भी सॉन्ग होता था बिना किसी प्रैक्टिस के डायरेक्ट हारमोनियम पे प्ले कर लेती थी. तो पेरेंट्स को लगा कि हाँ इसमें म्यूजिक का काफी अच्छा सेंस है. उसके बाद उन्होंने इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग मुझे देनी शुरू की. आई वॉज इंस्पायर्ड बाई माई मदर. बॉलीवुड इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर मिथुन के म्यूजिक से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही. स्कूल में भी सबको पता था ये अच्छा गाती है, तो इसलिए प्रेयर मुझे लीड करने दिया जाता था. देन आफ्टर दैट मैंने स्कूल के काफी जोनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. एट दी एज ऑफ 13 मैंने सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के लिए ऑडिशन दिया था. आई ऑल्सो participated in the Voice of India, Indian Idol, India's Got Talent. In sab shows mein bhi maine kaafi sare auditions diye hain. There was a Lohri event on Lal Qila. Bahut sara crowd tha, hazaron ki sankhya mein log the. Wahan pe maine perform kiya. Isme jo tera khwab pe ro. 1000 tak ho hi chuke hain mere live event. Singing mein mujhe kaafi sare compliments mile. स्टूडियोज वगैरह में मुझे फील होता था इग्नोरेंस टाइप का. पहली बार किसी के साथ रिकॉर्डिंग है, उनके माइंड में ऐसा होता है कि पता नहीं कैसा परफॉर्म कर पाए. कि मैंने जो मेरा फर्स्ट जिंगल परफॉर्म किया था इन 2016, एक जस्ट हाफ एन आवर में मैंने खत्म कर दिए थे. एंड दे वर वेरी अमेज्ड. योर हियर देयर्स नथिंग टू फियर एंड आई नो दैट माय heart will go Instagram पे भी कभी ऐसे कमेंट्स या ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं हेट वाले. बट स्टिल मुझे ये लगता है कि अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तभी उसको हेट आता है. मेरा ये गोल है कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को पीछे रख के अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ूं. चाहे कोई भी टफ से टफ सिचुएशन हो, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है.